नमस्कार दोस्तों, हमारे इस FTR सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिन भी प्रश्नों में आपको समस्या होगी आप कमेंट के रूप में रेखांकित करेंगे, उन कमेंट के आधार पर ही हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं और आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। 1993 का जो पंचायती राज एक्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। तो देखिए हम बात कब की कर रहे हैं, 1993 की एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यह एक्ट मूल रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का ही हिस्सा था। तो इस एक्ट को 1993 का जो पंचायती राज एक्ट है उसे मध्य प्रदेश सरकार ने ही पारित किया था। 25 जनवरी 1994 को यह एक्ट क्या हुआ था, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने ही इसे स्वीकृति प्रदान की थी। तो हाँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा ही स्वीकृत किया गया था और उसके बाद राज्यपाल के साइन के बाद ही राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो 25 जनवरी 1994 को यह मध्य प्रदेश के राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ और उसके आधार पर ही मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन हुए। यह जो एक्ट आया था वह क्या है, आया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। तो 73वें संविधान संशोधन में जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी उसके आधार पर पहला राज्य था मध्य प्रदेश जिसने इस एक्ट को अपनाया था। अगला स्टेटमेंट है, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत किया 1 नवंबर 2001 को। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे यह कहते हुए माना कि 7 जून 2001 को इन्होंने क्या किया, एक अधिसूचना निकाली। इसके आधार पर इन्होंने कहा कि हम अब से जो हमारे पास पंचायती राज अधिनियम के संबंध में एक्ट है उसको हम मानेंगे। कौन से एक्ट को, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था, मतलब मध्य प्रदेश के साथ जब हम थे तो जो एक्ट बना था उसे हम क्या करेंगे, मानेंगे। इन्होंने ऐसा निकाला, 7 जून 2001 को एक आदेश निकाला। इस आदेश को निकालने की इन्हें शक्ति कैसे प्राप्त हुई, इन्हें शक्ति प्राप्त हुई मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से ये कहा गया था कि जो नया राज्य छत्तीसगढ़ बन रहा है वह अपने राज्य के संबंध में कुछ भी नियम बना सकेगा और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 2001 को इन्होंने ये कहा कि 31 अक्टूबर 2000 तक जो भी संशोधन मध्य प्रदेश ने किए हैं उन सभी संशोधनों को मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, पंचायती राज एक्ट को अपने राज्य में लागू कर रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद जो संशोधन हुए हैं वे हमारे ऊपर मान्य नहीं होंगे, पर 31 अक्टूबर से पहले जो भी संशोधन हुए हैं वे सभी हमें मान्य हैं। और उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा कि 7 जून को आदेश निकाला और 18 जून 2001 को इन्होंने क्या किया, राजपत्र में प्रकाशित किया राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद। और 18 जून को राजपत्र में प्रकाशित होने पर इन्होंने ये कहा कि यह नियम जो होगा वह हमारे ऊपर 1 नवंबर 2000 से ही क्या होगा, लागू होगा। देखिए इस टाइप के जो मामले होते हैं सिविल मामलों में खासकर, उनमें क्या कहा जाता है, देखिए 18 जून 2001 को आदेश निकाला गया है लेकिन इस आदेश को लागू कहाँ से किया जा रहा है, 1 नवंबर 2000 से लागू किया जा रहा है। तो ऐसा किया जा सकता है, 7 जून को इन्होंने क्या किया, एक आदेश निकाला, 18 जून को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राजपत्र में प्रकाशित किया है और इसे लागू कब से माना है, 1 नवंबर 2000 से, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जिस डेट से हुआ है उस डेट से इन्होंने क्या कहा है, यह एक्ट हमारे ऊपर लागू होगा यह कहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यह पूरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, यह 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित किया गया। तो जी नहीं, 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित नहीं किया गया, इसके संबंध में अधिसूचना हमारे पास 7 जून को आई जो 18 जून को राजपत्र में प्रकाशित हुई। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। अगला स्टेटमेंट है, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा को इस एक्ट को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने क्या किया है, विधियों के अनुकूलन आदेश निकाला है जो हमें शक्ति प्राप्त हुई थी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से, और उसके माध्यम से हमने यह क्या किया था, इस एक्ट को पारित किया था। तो हमें विधानसभा में इसे पुनः लाना नहीं पड़ा था। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। तो भारत के राष्ट्रपति को इस एक्ट पर कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की, इसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने ही स्वीकृति प्रदान कर दी। तो राष्ट्रपति का कोई इसमें उल्लेख नहीं होगा। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, गलत है।
यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। तो जी यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है क्योंकि 7 जून 2001 को ही हमने क्या निकाला है, यह आदेश निकाला है। तो इस प्रकार आप देखें अगर तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 और 7 हमारा सही है और 4, 5 और 6 हमारा गलत है। तो जिन भी ऑप्शंस में आपको 4, 5, 6 दिख रहे हैं वे सभी क्या हो गए, अपने आप में गलत हो गए। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सी, जो हमारा कूट का नंबर है सी, उसमें 1, 2, 7 तो ये हमारा क्या होता है, सही होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को प्रदान नहीं किया गया था, नहीं किया था इस बात पर ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर 33% महिलाओं को लिए आरक्षित किया गया था। तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन था हमारा, 73वें संविधान संशोधन में 33% जो महिला आरक्षण है वह प्रदान किया गया था। वर्तमान में जब आप देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में 50% महिला आरक्षण देखने को मिलता है। तो जो 50% महिला आरक्षण देखने को मिलता है वह किसने किया है, राज्य ने किया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय होने के नाते जब केंद्र ने इस संशोधन को किया तो यह कहा कि इसके संबंध में एक्ट बनाने की शक्ति किसके पास होगी, राज्यों के पास होगी। 73वें संविधान संशोधन में उन्होंने कहा था कि 33% महिला आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में राज्यों ने कितना दिया हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ने 50% महिला आरक्षण दिया गया है। तो आप देखें तो 33% जो आरक्षण है वह मूल संविधान संशोधन के तहत था। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगली स्टेटमेंट है हमारी, पंचायत राज संस्थानों को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के लिए वित्त आयोग बनाया जाएगा। तो वित्त आयोग बनाया जाएगा यह 73वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि नगरीय निकायों और ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो भी संस्थाएं बनेंगी उनमें पैसे का विभाजन किस तरीके से होगा, इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगला स्टेटमेंट है, यदि पंचायत राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किया जाता है तो 6 महीने में चुनाव कराया जाएगा। देखिए आप जैसा देखते होंगे कि 2 अक्टूबर 1959 से आपने देखा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। जब यह व्यवस्था 59 में लाई गई थी तो उस समय इस तरीके के प्रावधान नहीं किए गए थे कि अगर राज्य सरकार पंचायतों को भंग कर देती है तो उन्हें कब चुनाव कराना है। इसके कारण हुआ यह कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू तो कर दी गई पर राज्यों ने कई कई साल तक चुनाव कराए ही नहीं। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया गया और राज्यों को यह निर्देशित किया गया कि अब उनके लिए जरूरी होगा कि अगर एक बार पंचायत भंग हो गई है तो उन्हें छह माह के अंदर अगला निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। और इस संशोधन के बाद ही पंचायती राज व्यवस्था वास्तविक शक्ति के रूप में आ पाई कि अगर राज्य सरकार किसी भी पंचायत को भंग भी कर देती है तो ऐसे पंचायत को 6 माह में पुनः निर्वाचन कराना होगा। तो आप देखिए तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। अगली स्टेटमेंट है, पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनको 2 से अधिक संतानें होंगी। देखिए जो संशोधन 73वें संविधान संशोधन के तहत किए गए थे उनमें यह कोई प्रावधान नहीं था कि अगर 2 से अधिक संतानें होती हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों ने अपने अनुसार इन प्रावधानों को जोड़ा है। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जैसे वर्तमान में कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ने संशोधन यह किया कि अब जो है पंच और सरपंच जो भी साक्षर होंगे वे क्या कर सकते हैं, पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पहले क्या था, पंच के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य था और सरपंच के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य था। वर्तमान में संशोधन करके क्या कर दिया गया, साक्षर होना अनिवार्य कर दिया गया। तो जो पास होने की कंडीशन थी, 5वीं और 8वीं की डिग्री होना अनिवार्य कहा गया था, वह भी राज्य के द्वारा किया गया था, ना कि 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और कुछ प्रावधान किस प्रकार से हैं, आप देखें जैसे कि घरों में शौचालय होना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, चाहे पंच के लिए या सरपंच के लिए, उसके घर में शौचालय होना अनिवार्य है, यह भी राज्य के द्वारा बनाया गया नियम है। और अभी वर्तमान में एक संशोधन हुआ है कि जिन भी पंचायतों में दिव्यांगजनों की कमी होगी, यानी ऐसा दिव्यांगजन अगर किसी पंचायत में नहीं है तो राज्य सरकार ऐसे पंचायतों में दिव्यांगजनों को क्या कर सकेगी, नियुक्त कर सकेगी, अपने ओर से सरकार वहां पर दिव्यांगजनों के लिए सीटें आरक्षित कर सकेगी। तो आप अगर देखें तो यहां पर क्या है, दिव्यांगजनों के लिए सीट देना, घर में शौचालय होना और साक्षर होना, ये सभी नियम कौन बनाया, राज्यों ने अपने आधार पर बनाए, ना कि 73वें संविधान संशोधन के तहत यह नियम आए हैं। तो इस आधार
पर आप देखें अगर, तो सेकंड प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, दो संतान होना जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया है सही क्या है। पहला, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक 3 माह में, देखिए 3 माह में कम से कम एक बैठक ग्राम सभा की जाएगी। इसके संबंध में हमने क्या किया हुआ है, कुछ डेट डिसाइड कर दी है। जैसे कि हमने कहा है 23 जनवरी को, उसके बाद हमने कहा है 14 अप्रैल को, उसके बाद हमने कहा है 20 अगस्त को, और फिर हमने कहा है 2 अक्टूबर को। ये जो है जयंतियों से भी संबंधित हैं ये डेट्स। जैसे कि 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, 14 अप्रैल जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, 20 अगस्त राजीव गांधी जी से संबंधित है, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो इन जन्म तिथियों पर क्या करना है, ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। देखिए जब हम ग्राम सभा कहते हैं तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर को समझ लेना अनिवार्य है। जैसे ग्राम सभा जब हम कहेंगे ग्राम सभा, तो देखिए ग्राम सभा जो होती है वह उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, अगर ये ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक मतदाता क्या होगा, ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का सदस्य है, लेकिन हम जब बात करेंगे ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रतिनिधि आएंगे, जैसे सरपंच पंच ये सभी क्या आएंगे, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएंगे। ग्राम अगर पंचायत आप देखें तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत पदाधिकारी आते हैं, और ग्राम सभा के अंतर्गत उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक मतदाता आता है। तो इस ग्राम सभा की बैठक के संबंध में बात कर रहे हैं जिसमें उस ग्राम पंचायत का प्रत्येक मतदाता शामिल है। तो ऐसी बैठकें प्रत्येक 3 माह में होना क्या है, अनिवार्य है। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में सही है। अगला है, प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी। हमने कहा 3 माह में आयोजित की जाएगी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। फिर ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। देखिए अगर एक ग्राम पंचायत, यदि एक ग्राम पंचायत एक या अधिक गांव से मिलकर बनी है, हमने कहा कि एक ग्राम पंचायत एक गांव से भी मिलकर बन सकती है, और एक से अधिक ग्राम, 2 गांव 3 गांव इतने गांव भी हो सकते हैं। तो अगर एक ग्राम पंचायत एक से अधिक गांव से मिलकर बनी है तो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक जगह ही ग्राम सभा की बैठक हो, प्रत्येक गाँव में अपनी अपनी ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। तो इस आधार पर देखें तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्र अनुसार ग्राम सभा की बैठक होगी। तो जी नहीं, प्रत्येक ग्राम, जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल है उन सभी गांवों में ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, कोई चक्रमा नहीं होगा, प्रत्येक गांव में अपनी अलग अलग ग्राम सभा की बैठकें हो सकती है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। तो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं उसको कराने का दायित्व सौंपा गया है सरपंच को। सरपंच और पंच क्या करेंगे, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करेंगे, और ग्रामीण व्यवस्था के तहत यह अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को कि जो भी बजट होगा गाँव का, जो भी बजट है, और हितग्राहियों का चयन, हितग्राहियों के चयन के संबंध में कि अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बंटना है तो यह गैस सिलेंडर किसे मिलना चाहिए, वह हितग्राही कौन होगा, यह निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। गांव में कहां किस तरह से खर्च करना है, क्या बजट प्रक्रिया होगी, और कितना खर्च किया जाएगा, यह पास होना कहां से चाहिए, ग्राम सभा से होना चाहिए। तो अगर हमें इन चीज़ों को पास कराना है तो सरपंच और पंच की यह जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेंगे, वे ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करेंगे। ग्राम सभा की बैठक के संबंध में एक नियम यह कहता है कि जो भी, जैसे कि हम कहें कि 1000 टोटल मतदाता हैं उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो इसका 1/10 अर्थात 100 लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है इस तरीके की किसी भी डिसीजन को लेते समय, और इन 100 में 33% महिलाओं का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो अगर आप देखें तो 1/10 टोटल ग्राम सभा के सदस्यों का अनिवार्य है बैठक में उपस्थित होना, और इस 1/10 में 1/3 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। और जब यह गणपूर्ति पूर्ण होगी उसके आधार पर ही क्या होगा, इस तरीके के किसी भी प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे उस बैठक में। इस ग्राम सभा जो होगी, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। सरपंच यदि उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है यदि, तो उस ग्राम सभा के अंतर्गत उपस्थित जो भी व्यक्ति होगा वहां पर वह ग्राम सभा चुनेगी, और वही व्यक्ति क्या करेगा, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ग्राम सभा की बैठक कराना काम किसका,
सरपंच का। और यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक कराता है और तीन बार यह कंडीशन पूरी नहीं होती है, यानी कि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो तीन बार अगर पूरी नहीं हुई तो क्या दिया जाएगा, इसे इसे नोटिस दिया जाएगा। तो नोटिस देने का अधिकार वैसे देखा जाए तो किसके पास होता है, एसडीएम के पास होता है। या एसडीएम क्या करेगा, तीन बार बैठक में गणपूर्ति नहीं हुई तो इसे नोटिस देगा, और तीन की बात के बाद अगर दो बार उसे और मौका दिया जाएगा कि वह गणपूर्ति पूर्ण कराए और जो भी निर्णय है वे ग्राम सभा के माध्यम से हों। अगर इन दो बैठकों में भी वह गणपूर्ति पूर्ण नहीं कराता है तो इन आधार पर उसे क्या कर दिया जा सकता है, सरपंच और पंच को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो अगर आप ग्राम सभा के संबंध में देखें तो ग्राम सभा के अगर अपेक्षा की जा रही है कितने सदस्यों के द्वारा, 1/3 सदस्यों के द्वारा। सरपंच की जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा की बैठक कराएगा, अगर सरपंच बैठक नहीं करा रहा है तो उस ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले 1/3 मतदाता अगर लिखित में आवेदन करते हैं तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। यदि जनपद पंचायत, जिला पंचायत और एसडीएम या कलेक्टर ऐसी मांग करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक हो तो ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। इस तरीके से आप देखते हैं कि 1/3 मतदाता यदि लिखित रूप से आवेदन करते हैं तो ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। तो यहां आधे सदस्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/3 के आधार पर ही हमारा बैठक हो सकती है। अगली स्टेटमेंट है ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 6 है वह सही है, हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 जो है गलत है। तो इस हिसाब से हमने प्रश्न में पूछा था सही क्या है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और हमारा स्टेटमेंट नंबर 6 ये हमारे सही है, और हमारे स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। तो 1, 3, 6 जो इस भी कूट में दिख रहे हैं वे क्या हो गया, हमारा सही हो गया। इस आधार पे आप देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर जो हमारा कूट है वह सी ऑप्शन 1, 3 और 6 क्या है, सही है। तो इसका उत्तर है सी। हमारा अगला प्रश्न है, एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जनसंख्या हमने दी हुई है 40 लाख और 40 लाख के जनसंख्या पर हमने ये कहा है कि एक 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक। इस आधार पर आप देखें तो कितने प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, 80 प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ये किस प्रकार से होता है देखते हैं। हम ये कहें कि ये जिला पंचायत पूरा क्षेत्र है, इस जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत क्या बनाए जाएंगे, यहाँ से इन क्षेत्रों से सदस्य चुने जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। और जिला पंचायत सदस्य जो हैं, जिला पंचायत सदस्य अपने में से क्या चुनते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। एक जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे और ये अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो इस आधार पर अगर हम 40 लाख की जनसंख्या देखें और प्रत्येक 50,000 पर एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाना है तो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य चुने जा सकते हैं 80। पर देखिए नियम ये कहता है कि जिला पंचायत में एक अध्यक्ष जो चुना जाना है वो मैक्सिमम 35 सदस्यों के माध्यम से चुना जाएगा, यानी एक जिला पंचायत के अंतर्गत मैक्सिमम 35 सदस्य ही हो सकते हैं। इसको अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत देखें तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत मिनिमम 10 सदस्य चुने जाएंगे, मतलब मिनिमम 10 पंच होते हैं और मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत मिनिमम 10 जनपद पंचायत सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 25 जनपद पंचायत सदस्य हो सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप जिला पंचायत के अंतर्गत देखें तो मिनिमम 10 जिला पंचायत सदस्य होंगे और 35 जिला पंचायत सदस्य हो सकते हैं। तो जनसंख्या का विभाजन बराबर रूप से किया जाएगा। अब यहाँ जनसंख्या क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है तो हम प्रत्येक जनसंख्या को 50,000 नहीं बनाएंगे, 50,000 से ज़्यादा की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, लेकिन जो सीटें होंगी वह क्या होंगी, 35 से ज़्यादा नहीं होंगी। एक जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 35 सदस्य ही चुने जा सकते हैं और वे 35 सदस्य ही अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो इस आधार पर आप देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 35 ना कि 80, ठीक है। इस आधार पर उत्तर होगा 35, 35 ही मैक्सिमम जो हो सकते हैं जिला पंचायत सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है। सरपंच को हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में बात कर रहे हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, दूसरा प्रत्यावर्तन द्वारा। देखिए सरपंच का ही पद एक ऐसा पद है जो चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होता है या निर्वाचित होता है, और सरपंच को अप्रत्यक्ष तरीके से यानी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से और प्रत्यावर्तन के माध्यम से राइट टू रिकॉल के प्रोसेस से हटाया जा सकता है। वर्तमान में कुछ चर्चा हो रही कि सरपंच भी क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, परंतु इस तरीके से कोई प्रावधान नहीं किए गए। अभी भी वर्तमान में भी सरपंच क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, और सरपंच जब प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्तन दोनों ही माध्यम से हटाया जा सकता है। यदि आप अविश्वास प्रस्ताव के संबंध देखें, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में देखें तो हमने कहा पंचायत का गठन करने वाले जितने भी पंच होंगे, कौन होंगे, पंच होंगे, तो पंचों का जो भी समूह होगा, पंचों के समूह से जो कुल पंच होंगे उनके 2/3
और उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों का 3/4। जैसे हम कहें कि एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 पंच हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें ग्राम पंचायत है जिसमें 12 पंच हैं, तो 12 पंच हैं अगर और किसी सरपंच को हटाना है तो उनके लिए जो मिनिमम संख्या है वह 2/3। अर्थात आप देखें तो 8 से अधिक 9 पंच तो हमें चाहिए किसी सरपंच को हटाने के लिए। अगर 12 के 12 पंच उपस्थित हैं मतदान देने के लिए और सरपंच को हटाना चाहते हैं तो उसका 3/4 पंचों के बहुमत की जरूरत हमें पड़ेगी। तो इस आधार पर आप देखें तो आपको कम से कम 10 पंचों की आवश्यकता होगी। अगर 12 में से 10 पंच उस सरपंच के खिलाफ हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उस सरपंच को हटाया जा सकता है। सरपंच चुना गया है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पंच भी किसी सरपंच को हटा सकते हैं, और वो हटाएंगे किस प्रकार से, जो भी कुल सदस्य संख्या होगी उसके 2/3 मिनिमम जो होगा वो जरूरत होगी उन्हें हटाने के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। सेकेंड है प्रत्यावर्तन के माध्यम से। तो क्या प्रत्यावर्तन के माध्यम से हटाया जा सकता है, तो हाँ, राइट टू रिकॉल का प्रोसेस सरपंच के लिए अभी भी वर्तमान में भी लागू है। और अगर ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जो है लिखित रूप से मांग करते हैं कि हमें क्या करना है, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, राइट टू रिकॉल प्रारंभ करना है, तो क्या करेंगे, एक तो फिर से क्या किया जाएगा, उस क्षेत्र में निर्वाचन किया जाएगा, और उस निर्वाचन में क्या होगा, सरपंच के लिए भरी कुर्सी और खाली कुर्सी, और 1/3 जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम सभा के लिखित आवेदन पर क्या किया जाएगा, वहां निर्वाचन कराया जा रहा है, और उस ग्राम पंचायत के 50% से अधिक मतदाता यह कहते हैं कि सरपंच को इस पद पर नहीं रहना चाहिए और इसके खिलाफ मत करते हैं, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में सरपंच को हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में देखेंगे तो यह जो है सरपंच के चुने जाने के 1 साल के बाद ही लाया जा सकता है, अर्थात 1 साल तक वह अपने पद पर कम से कम कार्य करेगा, उसके बाद ही आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। और प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जो है वह उसके आधे कार्यकाल अर्थात 2.5 साल के कार्यकाल के बाद ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो सरपंच को हटाने के दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी और प्रत्यावर्तन भी। जबकि आप उप सरपंच के संबंध में देखें तो उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन का प्रोसेस जो है उप सरपंच के लिए लागू नहीं होगा। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ग्राम पंचायत की बैठक की बैठक में 3 बार गणपूर्ति ना हो। देखिए हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में, देखिए ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी गणपूर्ति है 1/10, जिसमें 1/3 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रताधिकारियों से बनती है, यानी सरपंच पंच से मिलकर बन रही है। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत के लिए गणपूर्ति है हमारी 1/2, कुल सदस्य संख्या की आधे सदस्यों के माध्यम से ही गणपूर्ति हो सकती है और यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। यदि सरपंच जो है 3 बार गणपूर्ति नहीं करा पाता तो इस आधार पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। हमारी अगली स्टेटमेंट है ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों पर, देखिए हमने कहा था कि 3 बार अगर वो ग्राम सभा की बैठक नहीं गणपूर्ति कंप्लीट करता तो उसे क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाता है, और अगले 2 बार और मौके दिए जाते हैं, और इन 2 बार में भी अगर गणपूर्ति पूर्ण नहीं होती तब उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात ग्राम सभा के केस में अगर आप देखें तो ग्राम सभा के केस में उसे 5 बार मौके मिल रहे हैं, लेकिन यदि ग्राम पंचायत के संबंध में देखें तो उसे मौके कितनी बार मिल रहे हैं, 3 बार। 3 बार के बाद उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के मामले में गणपूर्ति कितनी है, 1/2 यानी 50% है। अगली स्टेटमेंट है ग्राम सभा की बैठकों में उसका अधिक विरोध होने पर, ग्राम सभा की बैठकों में विरोध होने के आधार पर उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकते। यदि ग्राम सभा में विरोध हो रहा है तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जो है लिखित में मांग करें और इसके आधार पर वहां निर्वाचन होगा, यानी राइट टू रिकॉल का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और वहां पर 50% से अधिक मतदाता यदि सरपंच के विरुद्ध मत देते हैं तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, केवल विरोध के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। तो अगर आप देखें तो हमारा अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया और ग्राम पंचायतों की बैठकों में 3 बार अगर गणपूर्ति नहीं होती इस आधार पर हटाया जा सकता है। देखिए इन तीनों ही प्रोसेस में वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अगर वो अपील कर रहा है, देखिए पहली दो कंडीशन है, अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्तन की प्रोसेस है, उसमें 7 दिनों के अंदर जब उसको हटाया गया उसके 7 दिनों के अंदर वह क्या करेगा, कलेक्टर के समक्ष अपना आवेदन देगा कि मुझे गलत
जो मुझे हटाए जाने की प्रक्रिया थी उसकी विधि मान्यता को चुनौती देगा और कलेक्टर जो है उसके हटाए जाने को 30 दिनों के अंदर निर्णय देगा कि जो किया गया है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से या प्रत्यावर्धन के माध्यम से वह सही किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर सही किया गया है तो सरपंच अपने पद पर नहीं रह पाएगा और यदि नहीं सही किया गया है तो वह पुनः अपने पद पर आ जाएगा। लेकिन अगर वो 3 बार गणपूर्ति नहीं करा पाता और उसे हटाया गया है तो ऐसी प्रकृति में किसी ऑफिसर के माध्यम से उसे हटाया गया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस ऑफिसर को क्या करना होगा, 90 दिनों एक अपना जो आवेदन है उसको राज्य सरकार को भेजना होगा। राज्य सरकार जो है 90 दिनों के अंदर अपना निर्णय देगी कि जो आपने प्रक्रिया प्रारंभ की है या सरपंच को हटाया है वह उचित है या नहीं है। राज्य सरकार यदि 90 दिनों के अंदर कोई निर्णय नहीं देती तो यह माना जाएगा कि जिस भी ऑफिसर ने सरपंच को हटाया है वह क्या किया गया है, गलत तरीके से किया गया है और सरपंच पुनः अपने पद पर आ जाएगा। तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्धन के माध्यम से होता है तो 7 दिनों के भीतर कलेक्टर को वह अपना अपील करेगा और 30 दिनों के अंदर कलेक्टर अपना आवेदन देगा। लेकिन अगर किसी ऑफिसर के माध्यम से सरपंच को हटाया गया है तो उस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि राज्य सरकार के समक्ष अपने हटाए जाने का कारण प्रस्तुत करे और 90 दिनों के अंदर राज्य सरकार क्या करेगी, उस पर निर्णय देगी कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है वह सही है कि नहीं है। अगर राज्य सरकार निर्णय देती है या नहीं देती है, यह कहा जाए कि अगर राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि जो भी कार्यवाही की गई थी वह गलत की गई थी और सरपंच पुनः अपने पद पर आ जाएगा। यदि राज्य सरकार कहती है कि जो भी निर्णय लिया गया वह सही लिया गया है तभी सरपंच को पद अपना खाली करना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हमारा 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वह सही है, जिस भी स्टेटमेंट में हमारा यह नहीं है वह स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है। इस तरीके से आप देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारा 1, 2 और 3 सही है तो हमारा उत्तर होगा ए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही क्या है, सही क्या पूछा है। हम सभी स्टेटमेंट को एक एक करके देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी, एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। सेकंड है, एक मतदाता 2 वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है। हम इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें इसके पहले हम कुछ नियम समझ लेते हैं कि होता क्या क्या है। आप देखें तो चुनाव किस में होते हैं, एक होता है पंच पद के लिए चुनाव, सेकंड होता है हमारा सरपंच पद के लिए चुनाव, फिर थर्ड होता है हमारा जनपद पंचायत में, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव, और फिर हमारा होता है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। तो इन 4 पदों पर हमारे चुनाव होते हैं। पंच अपने में से क्या चुनते हैं, उपसरपंच चुनते हैं, ये ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत। जनपद और जिला में अगर आप देखें तो यहां चुने जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों ही जगह चुने जाते हैं, कहां, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में। तो इन 4 ही पदों के लिए क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो एक मतदाता पंच और सरपंच के लिए एक साथ चुनाव क्या लड़ सकता है, तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति पंच और सरपंच दोनों ही पदों के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है। वह पंच के लिए भी चुनाव लड़ सकता है, सरपंच के लिए भी चुनाव लड़ सकता है, जनपद सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ सकता है और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी एक साथ ही चुनाव लड़ सकता है। मतलब एक ग्रामीण मतदाता जब मतदान करने जाता है तो वह 4 लोगों को मत देता है, पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो एक व्यक्ति भी जो वहाँ है वह भी इन 4 पदों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है, परंतु उसी गांव के अंदर पंच के लिए हमने क्या बनाया, वार्ड बनाया, वार्ड। तो एक पंच जो इस वार्ड से, वार्ड नंबर 1 से लड़ रहा है, वही व्यक्ति जो है वार्ड नंबर 2 से नहीं लड़ सकता है। अर्थात पंच पद के लिए ही आप 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकते, सरपंच पद के लिए आप ग्राम 1 और गांव 2 इन दोनों गांवों से नहीं लड़ सकते। अगर आपको सरपंच पद का चुनाव लड़ना है तो आपको क्या करना होगा, किसी एक गाँव से ही चुनाव लड़ना होगा। हमने ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत देखा था कि ग्रामीण व्यवस्था में ये अगर हम कहें कि ग्राम है तो ग्राम के अंदर कुछ गाँवों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक जनपद बनाया जाता है, और जनपद कुछ जनपदों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जिला बनाया जाता है, और इस ग्राम के अंदर क्या होते हैं, वार्ड होते हैं जिनमें पंच चुने जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो पंच के लिए चुनाव लड़ रहा है वह उस वार्ड का मतदाता है यानी उस गांव का मतदाता है, तो पंच का चुनाव लड़ सकता है, उस गांव का मतदाता है इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, यह गांव जो है जनपद के अंतर्गत आता है इसलिए वह जनपद सदस्य का चुनाव भी लड़ सकता है, और यह जनपद पूरा उस जिले के अंतर्गत आता है इसलिए जिला पंचायत सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। परंतु इस गांव का मतदाता दूसरे गांव का मतदाता तो नहीं हो सकता,
इसलिए वह एक सरपंच चुनाव के लिए जो लड़ रहा है वह एक ही गांव से सरपंच चुनाव के लिए लड़ सकता है, दूसरे गांव में जाकर वह सरपंच का पद नहीं लड़ सकता। तो अगर आप देखें पंच, सरपंच और जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य के लिए वह इन चारों पदों पर तो लड़ सकता है, पर वह अलग अलग क्या कर सकता है, पंच पद के लिए दो वार्डों से ही चुनाव या दो गाँव से सरपंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस आधार पर अब हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर वन तो सही है। सेकेंड है, एक मतदाता दो वार्ड से पंच का चुनाव लड़ सकता है, जी नहीं, नहीं लड़ सकता। थर्ड है, एक मतदाता दो ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकता। एक मतदाता सरपंच और जनपद सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल, सरपंच के लिए लड़ना चाहता है, जनपद सदस्य के लिए लड़ना चाहता है तो वह लड़ सकता है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल, यहाँ भी चुनाव लड़ सकता है और यहाँ भी चुनाव लड़ सकता है वह एक साथ। एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकता। एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, यह भी नहीं लड़ सकता। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अगर लड़ रहा है तो एक ही जगह से लड़ सकता है, दो जगह से वह जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला स्टेटमेंट है, एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो सरपंच का चुनाव अगर वो चाहता है लड़ना और जिला पंचायत सदस्य का लड़ना चाहता है तो वह लड़ सकता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, 4, 5 और 8 सही हैं और 2, 3, 6, 7 ये गलत हैं। तो अगर आप देखें तो 1, 4, 5, 8 हमारा है स्टेटमेंट नंबर डी, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर डी जो है सही होता है, हमारा उत्तर है डी। हमारा अगला प्रश्न है त्याग पत्र से संबंधित, त्याग पत्र में संबोधन को सुमिलित कीजिए। तो कौन किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है, चाहे पंच, जनपद सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष जिला पंचायत और अध्यक्ष जनपद पंचायत, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो यदि आप पंच के केस में देखें, पंच फर्स्ट, सेकंड आप देखें जनपद सदस्य, जनपद सदस्य, और थर्ड आप देखें जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य। तो ये जो सदस्य हैं ये सभी क्या हैं, सदस्य के रूप हैं। तो पंच अपना त्याग पत्र देता है सरपंच को, और ये जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। लेकिन जो एक्ट में लिखा गया है सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके संबंध में एक्ट में लिखा गया है ये अपना त्यागपत्र विहित अधिकारी को देते हैं। अगर आप एक्ट में देखें तो इनके संबंध में केवल इतना ही लिखा गया है कि ये अपना त्यागपत्र विहित अधिकारी को देंगे, लेकिन यह विहित अधिकारी कौन होगा इसके संबंध में चर्चा नहीं की गई है। हम सामान्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये विहित अधिकारी कौन होते हैं। हमने इसके संबंध में अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जैसे नगर पंचायत केस में शपथ दिलाने कौन आ रहा है और अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे। तो ग्राम पंचायत में जब देखते हैं आप, जब आप ग्राम पंचायत में देखते हैं तो ग्राम पंचायत में अगर आप शपथ दिलाने की प्रक्रिया में देखें तो यहाँ तहसीलदार या नायब तहसीलदार लेवल का अधिकारी आता है। और अगर आप देखें जनपद पंचायत में, तो जनपद पंचायत में अगर आप देखें तो कोई क्लास टू ऑफिसर आएगा, और अगर आप जिला पंचायत में देखें तो जिला पंचायत में कोई क्लास वन ऑफिसर आएगा। ये प्रक्रिया किसके संबंध में है, शपथ दिलाने के संबंध में। तो जब कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो हमने ये कहा था जिस प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में, उसी प्रकार से हम यहाँ देखें अगर, तो शपथ दिलाने जो अधिकारी आ रहा है उससे बड़ा अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव के समय आएगा। यदि ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार या तहसीलदार लेवल का अधिकारी आया है तो जनपद पंचायत में कौन आया था, क्लास टू ऑफिसर आया था, और यहाँ पर जिला पंचायत में क्लास वन। अगर हटाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई प्रक्रिया हो रही है, तो ग्राम पंचायत में कौन आ जाएगा, क्लास टू ऑफिसर आ जाएगा, यहाँ क्लास वन ऑफिसर आ जाएगा, और यहाँ कोई संचालक लेवल का या आयुक्त लेवल का अधिकारी आ जाएगा इस अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के तहत। तो अगर देखें आप चुने जाने की प्रक्रिया के समय एक छोटा अधिकारी आ रहा है, लेकिन वहीं पर हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या आ जा रहा है, एक बड़ा अधिकारी आ जा रहा है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इसको मिलान करें तो यहाँ पर तो आपने पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत पर बात कर ली, यहाँ पर सरपंच और अध्यक्ष के संबंध में, और यहाँ पर जो विहित अधिकारी है ग्राम पंचायत में, उप सरपंच और सरपंच के केस में, वह कोई क्लास टू ऑफिसर होगा। तो क्लास टू ऑफिसर अगर आप देखें तो जैसे पीएससी भर्ती लेता है वो किस लेता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती लेता है, सहायक संचालक की भर्ती लेता है। सहायक संचालक क्या बन जाते हैं, प्रमोशन होकर उप संचालक बनते हैं। तो उप संचालक जो पोस्ट है वो क्या है, क्लास टू ऑफिसर है, तो क्लास टू यहां पर आ जाएगा। तो ग्राम पंचायत में जो सरपंच है और उप सरपंच किसको अपना त्यागपत्र देंगे, उप संचालक को देंगे। जनपद पंचायत में हम कह रहे हैं त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, क्लास वन ऑफिसर को दिया जाएगा। तो कलेक्टर
कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को दिया जाएगा। और इसी प्रकार से आप जिला पंचायत में देखिए तो किसको दे रहे हैं, ये संभागीय आयुक्त को या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई भी यदि हटाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो एक बड़ा अधिकारी आ जा रहा है। इस संबंध में बहुत सारे डाउट आए थे कि यह कैसे होता है, तो अगर आप देखें तो इसी प्रक्रिया को आप अगर देखते जाएं तो आप इसको समझ सकते हैं। अब यहीं पर आप अगर देखें कि हटाया जा गया है तो अपील किसके संबंध में की जाएगी, जो अपील की बात आ रही है उसकी अगर देखें, देखिए अगर देखें हम शपथ दिलाने के संबंध में, तो ग्राम पंचायत में शपथ दिलाने कौन आ रहा है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार लेवल का अधिकारी। फिर हमने कहा अविश्वास प्रस्ताव के समय कौन है, क्लास टू ऑफिसर है। क्लास टू ऑफिसर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के समय उपस्थित है। जब यह उपस्थित है यहाँ पर तो इसने जो निर्णय दिया उसी आधार पर तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। अगर इसके खिलाफ यदि अपील करनी है तो अब इसके ऊपर अगर कौन है, इसके ऊपर कौन है, कलेक्टर है। तो ग्राम पंचायत के मामले में आप देखते हैं कि हम ग्राम पंचायत के मामले में जो अपील करता है सरपंच अपने हटाए जाने के खिलाफ, वो करता है किसके समक्ष, कलेक्टर के समक्ष। देखियो क्लास थ्री ऑफिसर, क्लास टू ऑफिसर और क्लास वन ऑफिसर चला गया। अब जनपद पंचायत में कौन है, तो जनपद पंचायत के केस में क्लास वन ऑफिसर क्या है, यहाँ पर उसके हटाए जाने की प्रक्रिया के समय अविश्वास प्रस्ताव के समय शामिल है, इसलिए ये कहाँ पे जाएगा, संचालक पंचायत के पास जाएगा, यानी उससे बड़े अधिकारी के पास जाएगा। और यहाँ पर आप जिले पंचायत में देखिए तो जिला पंचायत के केस में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया संचालक पंचायत के समक्ष तो ही हो रही है, तो संचालक पंचायत के समक्ष अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसके खिलाफ यदि अपील करनी है तो वो कहाँ की जाएगी, की जाएगी राज्य सरकार के समक्ष। तो इसमें आप देखते हैं कि जिला पंचायत के मामले में कौन अपील, कहां पे अपील होती है, राज्य सरकार के समक्ष अपील होती है। अगर इसमें आप देखते हैं तो कितने दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर निर्णय देना होता है, जिला जनपद पंचायत के अंतर्गत भी 30 दिनों के अंदर निर्णय देना होता है और राज्य सरकार को निर्णय देना होता है अपना 45 दिनों के अंदर। यह यहां अपील करता है 7 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है जनपद पंचायत, किसी पदाधिकारी को हटाया गया है तो 10 दिनों के अंदर, और यहां पर अपील की जा सकती है 15 दिनों के अंदर। तो ये आप देखते हैं अपील के संबंध में। तो ये अगर आप पूरी तरीके से समझें यहाँ पर, तो एक अधिकारी शपथ दिलाने आ रहा है, उससे बड़ा अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव के समक्ष आ रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव के बाद अगर उसके विधि मान्यता को भी चुनौती देनी है हमें तो हमको उससे बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आप ग्राम पंचायत में देखते हैं कलेक्टर के समक्ष, जनपद पंचायत में आप देखते हैं तो आप देखते हैं संचालक के समक्ष, और जिला पंचायत के मामले में आप देखते हैं राज्य सरकार के समक्ष इस तरीके के निर्णायक भूमिका निभानी होती है। कुछ और फैक्ट अगर आप देखें तो आप देखते कि तो पंच और सरपंच का पद खाली है, इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, कलेक्टर के पास है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हटाए जाने की इस प्रकार प्रक्रिया है, त्यागपत्र की प्रक्रिया है और उसमें अपील की प्रक्रिया है। तो अगर इस आधार पर देखें हम त्यागपत्र को, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कि पंच जो है हमारा सरपंच को देता है, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष को देते हैं, और जो सरपंच है वह सरपंच किसको देगा, उप संचालक पंचायत को देगा, जनपद जो अध्यक्ष है वह कलेक्टर को देगा, और जिला पंचायत में जो अध्यक्ष है वह संचालक को अपना त्यागपत्र देंगे। हम यहाँ त्यागपत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं, तो इसलिए उत्तर होगा हमारा डी। हमारा अगला प्रश्न है जिला पंचायत के गठन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन निकालने हैं, और किसे संबंध में हम देख रहे हैं, जिला पंचायत के संबंध में। अगर आप जिला पंचायत में देखें, जिला पंचायत की संरचना के संबंध में यह प्रश्न है, तो जिला पंचायत की अगर आप संरचना देखें तो हम संरचना को पहले समझ लेते हैं, उसके आधार पर प्रश्न के जो स्टेटमेंट है उनको मिला लेंगे और अपना आंसर देंगे। जिला पंचायत में अगर आप देखें तो जिला पंचायत में सदस्य चुने जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या होंगे, उस जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जनपद पंचायत हैं, जितनी भी जनपद पंचायत हैं उनके जो सभी अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत जितनी भी जनपद पंचायत हैं उन जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष उस जिला पंचायत की संरचना का अंग होंगे। उसके बाद लोकसभा के ऐसे सांसद, लोकसभा के ऐसे सांसद जिनका क्षेत्र उस जिला पंचायत के अंतर्गत अंशतः या पूर्णतः आता है, वे भी क्या होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे, यानी कि उसकी संरचना का अंग होंगे। राज्यसभा के ऐसा सांसद, राज्यसभा का कोई सांसद है जिसका जिला पंचायत के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम है, वह भी उस जिला पंचायत की संरचना का अंग होगा। और विधायक, ऐसा विधायक जिसका क्या है, उस क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब जिला पंचायत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत उस विधायक का क्षेत्र भी आता है, तो वह भी क्या होगा, उसी संरचना का अंग होगा। इस तरीके से आगे आप देखें तो सदस्य, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वे सभी अध्यक्ष, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधायक, ये सभी क्या होते हैं, जिला पंचायत की संरचना का अंग होते हैं।
तो अब हम स्टेटमेंट को मैच करते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जी बिल्कुल सदस्य जो होते हैं वे होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट जो पूछा गया है वह अपने आप में गलत है क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जिला पंचायत से नहीं चुने जाते। अगर किसी लोकसभा सांसद का क्षेत्र उस जिला पंचायत के अंतर्गत आता है तो निश्चित रूप से वह उसकी संरचना का पार्ट होता है, लेकिन जिले से ही सांसद चुने जाते हैं ऐसा अनिवार्य नहीं है। राज्यसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, जी नहीं ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही नहीं है। राज्यसभा के सांसद क्या होंगे, वे तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में 5 सांसद दिए गए हैं तो वे जिले का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष, जी बिल्कुल जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष होंगे, वे जिला पंचायत की संरचना का अंग होते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट का भी कोई औचित्य नहीं है। जिले से निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरी क्षेत्र के नहीं है, देखिए जिनका क्षेत्र नगरी क्षेत्र में नहीं है विधायक वही तो क्या हो सकते हैं, जिला पंचायत की संरचना के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि जिला पंचायत क्या है, एक ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कोई विधायक है जिसका क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और वह उस जिला पंचायत के अंतर्गत है तो वह विधायक उसी संरचना का पार्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, 4 और 6 सही है, बाकी स्टेटमेंट हमारे जो है गलत है। तो इस तरीके से आंसर होगा हमारा डी 1, 4, 6 हमारा सही है। यदि साथ साथ हम जिला पंचायत के जनपद पंचायत को देखें तो जनपद पंचायत के अंदर ये लोकसभा के सांसद जो होते हैं और राज्यसभा के सांसद वे नहीं होते, मतलब जनपद पंचायत की संरचना में ये दोनों नहीं होंगे। और जनपद पंचायत की संरचना में हमने जैसे जिला पंचायत की संरचना में क्या लिया है, जनपद के सदस्यों को लिया है, उसी प्रकार से जनपद की संरचना में कौन आ जाते हैं, सरपंच आ जाते हैं। लेकिन क्या सभी सरपंच आते हैं, तो सभी सरपंच नहीं आते हैं। वहां पर क्या आएंगे, वहां पर उस जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने सरपंच हैं उनमें से 20% सरपंच एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए कितने 20% सरपंच क्या होंगे, जनपद पंचायत की संरचना का अंग होंगे। तो पहले साल 20% हो गए, दूसरे साल फिर से 20% हो गए, इस तरीके से अगर 5 साल में देखें तो 100% सभी जो सरपंच होंगे उनको मौका मिल जाता है एक एक साल जनपद पंचायत की संरचना का अंग होने के लिए। तो जनपद पंचायत में देखेंगे अगर आप तो इस तरीके की संरचना, और जिला पंचायत में देखेंगे तो इस तरीके से। जनपद पंचायत में ध्यान रखिएगा लोकसभा के सांसद राज्यसभा के सांसद नहीं होते, विधायक उसी संरचना का अंग होते हैं। तो लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद जो है जनपद पंचायत की संरचना के अंग नहीं है। हमने नगरी व्यवस्था में देखा था नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम सभी में जो सांसद थे संरचना का अंग थे, लेकिन जिला पंचायत में तो ये इस बात सही है, लेकिन ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में वो इसकी संरचना का अंग नहीं होते। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे। और हमारे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर हमने सही तो हमारा 1, 4 और 6 स्टेटमेंट है, लेकिन अगर प्रश्न के उत्तर के संबंध में जाएं तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 5 जिस भी स्टेटमेंट पे वो क्या है, हमारे स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से उत्तर होगा हमारा सी। हमारा अगला प्रश्न है निविदित मत के विषय में सही क्या नहीं है, यहाँ पूछा गया क्या सही नहीं है। ठीक, निविदित मत या टेंडर मत के संबंध में, टेंडर रूट के संबंध में, तो टेंडर रूट होता क्या है, देखिए टेंडर रूट देखिए एक क्या है आपकी मतदाता सूची है, मतदाता सूची अगर यदि आप मतदान देने गए हैं, आप मतदान देने गए तो मतदाता सूची में आपका क्या किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, वहां पर एक टिक लगाया जाएगा और आपकी आईडी देखी जाएगी। अब जब आईडी देखी गई और आपका नाम मैच किया गया तो यह पाया गया कि पहले ही आपके नाम के सामने क्या लगा है, टिक लगा हुआ है, कोई अन्य व्यक्ति आपकी जगह मतदान देकर चला जा गया है। यह घटनाएं जब फोटो आईडी नहीं हुआ करती थी तो आम थी, इसलिए यह क्या किया गया है, टेंडर वोट का प्रावधान किया गया है, निविदित मत का प्रावधान किया गया है। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह पर मत देकर चला गया है तो आपको पुनः क्या है, उस प्रक्रिया का अंग तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि आप वोट देने आए हैं और आप ही सही मतदाता हैं तो आप भी कोई आपत्तिजनक स्थिति वहां प्रकट कर सकते हैं कि मुझे मतदान देने दिया जाए। तो इसके सोल्यूशन के रूप में उन्होंने क्या किया है, एक अलग से प्रावधान किया गया, अलग से क्या किया जाएगा, आपको अलग से दिया जाएगा जिनमें आपके सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट रहेगी, इसमें आप अपने पसंद के उम्मीदवार की जगह पे क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, और ये जो हो गया है अलग से लिफाफे में क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। चुनाव परिणामों में इस मत का कोई योगदान नहीं होगा, ये मत जो लिफाफा है वह खोला नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि आप यहां पर मत देने आए हैं और आप ऐसी कोई स्थिति खड़ी कर सकते हैं इसलिए आपको क्या किया जा रहा है, मत देने का अधिकार दिया जा रहा है। तो अगर आप देखें निवृत्त मत है क्या,
तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतदान करने आया है और वह सही है और उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति मतदान देकर चला गया है, तो सही व्यक्ति को मत देने का अधिकार देने के लिए यह प्रावधान किया गया है। यही आपका क्या है, निविदित मत या टेंडर वोट का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम अपने स्टेटमेंट से मैच करते हैं। मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदित मत कहलाता है? जी नहीं, मतदाता जो मत देता है वह आपका मतदान प्रक्रिया का अंग है, वह निविदित मत नहीं कहलाता। निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदित मत कहलाता है? जी नहीं, निर्धारित समय अगर हमने कहा है कि 5 बजे तक वोटिंग होनी है, 5 बजे तक मतदान अगर होना है तो 5 बजे तक क्या होना चाहिए, सभी मतदाता आ जाने चाहिए। जितने भी मतदाता 5 बजे तक आए हैं और लाइन में लगे हुए हैं उन सभी को क्या दी जा सकती है, जाती है, एक अलग से पर्ची दी जाती है और उसके आधार पर सब वोट करते हैं, लेकिन वो पर्ची जो है निविदित मत नहीं कहलाती है। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, गलत है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, निविदित मत पत्र मत पेटी में नहीं डाले जाते। तो जी, ये मत पत्र में पेटी जो हमारी ओरिजिनल है उसमें नहीं डालेंगे, अलग से लिफाफे में डाले जाते हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन हमारे प्रश्न के हिसाब से क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, फिर है निविदित मत मत पत्र में डाले जाते हैं? नहीं, ये मत पत्र जो है मत पेटी में नहीं डाले जाते। अंतिम मत पत्र निविदित मत के रूप में मतदाता को दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अंतिम मत पत्र होता है वही निविदित मत के रूप में दिया जा सकता है, अर्थात कि अगर आप मत पत्र देख रहे हैं, अगर सभी हैं, तो वहां से नीचे से क्या किया जाएगा, एक मत पत्र निकाला जाएगा, जो शायद हम ये मान के चलते हैं कि कोई वोट देने नहीं आएगा, उस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इस निविदित मत पत्र को देते हैं जो अलग से लिफाफे में जमा करता है। तो इस आधार पर यह जो है होता है आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे प्रश्न के हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। परिणामों की घोषणा निविदित मत पत्रों पर आधारित होती है, तो परिणामों की घोषणा में निविदित मत पत्रों का कोई योगदान नहीं होता, यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो इस हिसाब से देखिए, हमने पूछा क्या था, क्या सही नहीं है, तो सही कौन कौन सी नहीं है, 1, 2, 4 और 6 जो है वह हमारे सही नहीं है, और 3 और 5 हमारी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है? वर्तमान में जमानत राशि में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों के आधारित ही यह प्रश्न है। तो पंच उम्मीदवार के लिए 50 रुपये, तो पंच के लिए हमने क्या रखा हुआ है, 50 रुपये। ठीक, सेकेंड है हमारा सरपंच, सरपंच के लिए जो जमानत राशि है वह भी अभी वर्तमान में बढ़ाई गई है और वर्तमान में कर दी गई है 1000 रुपये। आप तीसरा देखें, अगर आप जनपद पंचायत सदस्य के लिए, तो जनपद सदस्य के लिए जो किया गया है वह किया गया है हमारा 2000 रुपये, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य के लिए जो जमानत राशि निर्धारित की गई है वर्तमान में वह है 4000 रुपये। तो इस हिसाब से देखें आप, पंच के लिए 50 रुपये, सरपंच के लिए 1000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये, और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये जमानत राशि निर्धारित वर्तमान में की गई है। यह जमानत राशि जो है इसका 50% ही देना होता है SC ST OBC और फीमेल वर्ग को, फीमेल वर्ग में कोई भी फीमेल वर्ग हो सकती है, वह जनरल की भी। तो इस हिसाब से देखें आप, SC ST OBC को कितना देना है, इसका 50% ही देना है, और राशि अगर देखें आप तो 50 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये और 4000 रुपये रखी गई है। तो अगर आप इस प्रश्न को अब मैच करें तो पंच उम्मीदवार के लिए 50 रुपये, पंच महिला उम्मीदवार के लिए 25 रुपये। तो अगर पंच है 50 रुपये है, अगर हमने कहा महिला है, फीमेल से संबंधित है, तो कितना रुपये हो जाएगा, 25 रुपये। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। फिर यदि आप देखें, सरपंच उम्मीदवार के लिए 1000 रुपये, सरपंच के लिए हमने कहा 1000 रुपये, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपये, तो 100 रुपये नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 50% हमने कहा, तो ये हो जाएगा कितना, 500 रुपये। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000, तो 2000 जनपद सदस्य के लिए, जी बिल्कुल सही है, जनपद पंचायत सदस्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 200 रुपये नहीं होगा, ये कितना उसका हाफ होगा, यानी कि 1000 रुपये होगा। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 4000, तो जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 4000, जिला पंचायत सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए 50% होगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमने पूछा है यहां पर क्या जमानत राशि के विषय में सही क्या क्या है, तो पंच के संबंध में दोनों स्टेटमेंट सही है, सरपंच के संबंध में सही है, जनपद पंचायत सदस्य के संबंध में सही है, और जिला पंचायत सदस्य के। तो हमारा 1, 2, 3 और 5, 7 ये हमारा सही है, बाकी 4, 6 और 8 हमारा गलत है। जिन स्टेटमेंट में अगर 4, 6 और 8 दिख रहा है वे सभी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस आधार पर देखें तो B, C और D गलत होता है, तो हमारा ऑप्शन ए 1, 3, 5 जो और 7 सही है। अगर कुछ लोग कहेंगे कि 2 जो है स्टेटमेंट वह भी सही है, तो निश्चित रूप से 2 स्टेट जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वह भी सही है, लेकिन क्योंकि कूट में शामिल नहीं है इसलिए हम उसको उत्तर में नहीं ले रहे हैं, इसलिए उत्तर होगा हमारा ए, है ना।
इस तरीके से आज का जो 10 प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। हम अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, जैसे समितियों के संबंध में जो प्रश्न है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। जी धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।